सालार भाग एक प्रभास द्वारा निर्देशित सीज़फ़ायर बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम रखे हुए है। सैटनिल के अनुसार एक्शन ड्रामा ने सातवें दिन सभी भाषाओं में 13.50 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसका कुल कलेक्शन 308.90 करोड़ रुपए हो गया। एक्शन ड्रामा हिंदी, मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की डंकी से टकराई थी। सालार में पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन, मीनाक्षी चौधरी और सरन शक्ति भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म को सेंसर बोर्ड से एडल्ट सर्टिफिकेट दिया गया था। अपनी फिल्म की रिलीज से पहले निर्देशक प्रशांत नील ने स्टार प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ आरआरआर निर्देशक एसएस राजामौली के साथ बातचीत की। अपनी बातचीत के दौरान केजीएफ प्रसिद्ध निर्देशक ने अपनी फिल्म को मिले एडल्ट सर्टिफिकेट पर निराशा व्यक्त की। प्रशांत नील ने बताया, यह कहानी देवा और वर्धा के बारे में है। सालार अपने मूल में एक नाटक है। मैंने वर्षों से तेलुगु सिनेमा देखा है और मेरी फिल्म में हिंसा उसकी तुलना में फीकी है। विचार कभी भी बनाने का नहीं था। फिल्म इतनी हिंसक है कि इसे मिलता है, लेकिन दिशा निर्देश बदल गए हैं और सेंसर बोर्ड ने मुझसे कुछ कट लगाने के लिए कहा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं चुप हो गया, क्योंकि मैंने कोई अश्लील फिल्म नहीं बनाई। फिल्म में हिंसा जरूरी है। मैं निराश था, लेकिन प्रभास ने मुझसे कहा कि यह ठीक है। बॉलीवुड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए टॉप बॉलीवुड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।